बॉलीवुड में इन दिनों तनुश्री और नाना पाटेकर का विवाद काफी ज्यादा ही खबरों को बटोरते हुए दिखाई दे रहा है। जी हां, जहां पर तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर को लेकर तमाम आरोप लगाए हैं, तो वहीं मानो ऐसा लग रहा था कि तनुश्री दत्ता 10 साल बाद भी उन तमाम चीजों का यहां पर जिक्र करती दिखी जो उन्होंने कहा कि उन्होंने 10 साल पहले भी किया था। ऐसे में जब तनुश्री दत्ता का स्टेटमेंट सामने आया था, तब बॉलीवुड के तमाम यहां पर अभिनेता और तमाम अभिनेत्रियां यहां पर उनके सपोर्ट में दिखाई दी। तो वहीं हर कोई यहां पे इंतजार कर रहा था कि आखिरकार कब नाना पाटेकर अपनी चुप्पी को तोड़ेंगे। जी हां, फैंस भी ये जानना चाहते थे और देश की जनता भी, और यहाँ पर हर कोई ये जानना चाहता था कि जो आरोप तनुश्री दत्ता नाना पाटेकर पर लगा रही हैं कि आखिरकार उन तमाम आरोपों के बीच नाना पाटेकर कब चुप्पी तोड़ेंगे और कब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो वहीं पिछले दौरान नाना पाटेकर अपनी फिल्म हाउसफुल 4 की शूटिंग को छोड़ के मुंबई वापस आए, जहां पर नाना पाटेकर को एयरपोर्ट पे स्पॉट किया गया। तो वहीं यहां पर नाना पाटेकर से जब इस विवादों को लेकर पूछा गया, तो नाना पाटेकर ने यही कहा कि जो पहले झूठ था वो अब भी झूठ ही रहेगा। ऐसे में हाल ही में नाना पाटेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा, जहां पर वो तनुश्री विवाद पर बोलते हुए दिखाई दी। जी हां, जिस चीज का इंतजार हर कोई काफी दिनों से कर रहा था कि आखिरकार अपनी सफाई में नाना पाटेकर क्या कुछ कहेंगे, जो तमाम तरह के उन पे आरोप लग रहे हैं, जो 10 साल पहले भी उन पे आरोप तनुश्री दत्ता ने लगाए थे। तनुश्री दत्ता जहां हर जगह जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, उन्होंने तमाम चीजों का जिक्र किया, तो आखिरकार कब अपनी चुप्पी को नाना तोड़ेंगे। तो फाइनली नाना पाटेकर ने अपनी चुप्पी को तोड़ दिया है। जी हां, यकीनन फैंस जानना चाहते हैं कि आखिरकार नाना पाटेकर का क्या स्टेटमेंट है, क्या कुछ उन्होंने कहा है। पहले आप देखेंगे कि जहां पर मुंबई एयरपोर्ट ने उन्हें स्पॉट किया गया था, जहां पर उनसे मीडिया ने सवाल किया, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, और उसके बाद आप सुनेंगे कि किस तरह से नाना पाटेकर ने हाल ही में 8 अक्टूबर को जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया था, तो वहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या कुछ यहां पर अपनी सफाई में नाना पाटेकर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जहां पर हर किसी के मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिरकार क्यों नाना पाटेकर अब तक चुप थे, तो आप अब उन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि आखिरकार इतने तमाम विवादों के बीच, जहां पर तमाम विवाद नाना पाटेकर पर लग रहे थे, तो आखिरकार नाना पाटेकर ने अब तक चुप्पी को क्यों साधा हुआ था। आप देखिए हमारा ये वीडियो और सुनिए कि क्या कुछ नाना पाटेकर अपनी सफाई में यहां पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। दबाया गया ऐसा तनुश्री बोल रही है। नाना आपने
that we know what he's expected to say and what he's actually planning on the whole issue. And here he comes. पहिल्यांदा मी मराठीत सांगतो तुम्हाला. मला माझ्या टीमने वकिलांनी सांगितलेलं आहे की कुठल्याही चॅनलशी बोलायचं नाही, त्यामुळे मला खरंच बोलता येत नाही, नाही तर मी 4 दिवस आधी बोललो असतो. मेरे वकील ने कहा है पूरी टीम ने कि किसी भी चैनल से बात मत करो, नहीं तो मैं हमेशा आपसे मिलते रहता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी. लेकिन उन्होंने जब कहा है तो मुझे ये करना पड़ेगा. सो विल प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट. ये 10 साल पहले जो बोला था वही बोला. क्या बोलना है, कल जो सच था वो आज सच है, आज जो सच है वो कल सच ही रहेगा, वो तो बदलते नहीं रहे. थैंक यू वेरी मच. और मैं किसी को इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ, ऐसे मैं समझना मैं किसी को दे रहा हूँ. हैज मुंबई पुलिस कॉन्टेक्टेड यू? कोणाला ही नहीं देता. मुंबई पुलिस लगाओ ना वायर. जब एक बार वो हो गया मैं तनुश्री आपको इस बात से दुख हुआ है क्या नाना? आपको इस बात से दुख हुआ है क्या? पद्मश्री है नाना. बस बस बस. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें.